नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान आओ देखो वाल्मीकि समेत। दोस्तों आज मैं आप लोगों को हमारे गांव के एक खेत में जहां पे हल चलाया हुआ है धान के फसल के बाद, वहां पे आसपास पानी का क्षेत्र है इसलिए ये खेत थोड़ा सा नमी वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे ये दिव्य जड़ी बूटी औषधि पैदा हुई है और इसे मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो यह जड़ी बूटी, यह पौधा देश में ही नहीं विदेशों में भी इसकी गुणवत्ता धूम मचा रही है, तहलका मचा रही है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा औषधीय गुण भरे हुए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आसान शब्दों में बोलूं तो यह लाखों रोगों की सिर्फ एक दवा है, अचूक दवा। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका नाम बता देता हूं। इसको हिंदी में बथुआ या बथुआ साग कहा जाता है, क्योंकि इसकी साग सब्जी बना करके भी खाई जाती है। और इसका वैज्ञानिक नाम है चेनोपोडियम एल्बम। तो चेनोपोडियम एल्बम इसका वैज्ञानिक नाम है और इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑल गुड गॉस फूड, और उसी तरह से संस्कृत में इसे कहते हैं वास्तुक या क्षार पत्र, संस्कृत नाम है ये। और गुजराती में इसको चिल टांको बोला जाता है, चिल टांको का पौधा। और तमिल में इसको पारूप कुरई या चक्रवर्ती कराई, ये तमिल नाम है। और मराठी में इसको चाकवत चिविल कहा जाता है और बंगाली में इसे बथुआ साग या चंदन बथु कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे नाम होते हैं इन जड़ी बूटियों की। खैर मैं आप लोगों को इसकी पहचान करा देता हूँ। आप देख सकते हो इसके पत्ते को और अच्छे से पहचान लीजिए। इसका जो पत्ता होता है इस तरह से दिखाई देता है और इसके जो नोक होता है, कोमल भाग ऊपर का साइड होता है पौधे का, वह थोड़ा सा सफेदी लिए दिखाई देता है। और इसको तोड़ करके तुरंत चबा के देखने से हल्का स्वादिष्ट होता है और आसानी से खाया जा सकता है कच्चे पत्तों को तोड़कर भी। तो यह हल्के नमी क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। आप लोग खेत खलिहान में या फिर जहां गेहूं का फसल बोया जाता है वहां इसको उगाया नहीं जाता, गेहूं के फसल के साथ साथ यह स्वतः ही अपने आप वहाँ पर उग जाता है। और हमारे गाँव देहात के मार्केट में भी यह खूब बिकता है, क्योंकि लोग इसे जानते हैं, इसकी साग सब्जी खाते हैं, औषधि प्रयोग करते हैं और हमेशा सेहतमंद स्वस्थ रहते हैं। तो आज आप भी जान लीजिए इसके अनगिनत औषधीय गुणों को और आप भी जो प्रयोग विधि बताऊंगा उस तरह से इसका औषधि प्रयोग करके अपने बहुत सारे गंभीर समस्याओं को दूर कीजिए और खुश रहिए। तो दोस्तों यह बथुआ जो है मल्टी विटामिन से भरा हुआ है। हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, फाइबर, ये सभी तत्व इस बथुआ के साग में यानी इस बथुआ के भाजी में, पत्तों में, इसके पौधे में पूरी तरह से कूट कूट करके भरे हुए हैं। इसलिए इसका औषधि प्रयोग और दैनिक जीवन में उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग जानते हैं वे लोग इसके प्रयोग करते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं सिंपल सी इसका साग सब्जी बना करके खाते हैं तो उनको भी अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसके कुछ औषधीय प्रयोग बता देता हूँ। वैसे तो इसके बहुत सारे औषधीय प्रयोग हैं, एक वीडियो में बताना असंभव है, लेकिन आज मैं जो आपको औषधि प्रयोग बता रहा हूँ इस बथुआ के बारे में, वह एक बार नहीं अनेकों बार आजमाया जा चुका है। अगर कोई आजमा के देखना चाहे तो अपने आसपास में इस पौधे को ढूंढ करके अभी जो बताऊंगा उस प्रयोग विधि को करके देख सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह बालों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। जिस तरह से आंवला बालों के लिए परफेक्ट है, बालों की मजबूती के लिए, झड़ने टूटने या फिर रूसी डेंड्रफ के लिए आंवला जिस तरह से प्रभावशाली होता है बालों के लिए, उसी तरह यह बथुआ भी है। अगर बालों में इस तरह से कोई कमजोरी हो, टूटने झड़ने की समस्या हो या फिर काले ना हो, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, इस बथुआ को ढूंढ निकालिए आपके आसपास से और इसको पूरे पंचांग को कूट पीस करके चटनी बना लीजिए और इसका रस निकाल लीजिए। इसके रस को सुबह शाम 25-50 ml की मात्रा में सेवन कीजिए खाली पेट और इसके रस को बालों में लगाइए। ये दोनों तरीका अगर आप करोगे, प्रयोग करोगे, तो निश्चित रूप से आपके एक सप्ताह के अंदर झड़ना, टूटना, पतला होना, भूरा होना, ये सब बंद हो जाएगा और जड़ से मजबूत होकर के काला, घना, लंबा, मुलायम हो जाएगा। तो ये तो हो गया बालों की समस्या से मुक्ति पाने के लिए। अब मैं आप लोगों को इसका और प्रयोग बता रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका पेट खुल करके साफ ना आता, हमेशा पेट में गैस, कब्ज, अपच, अफारा, वायु गोला, किसी भी तरीका से पेट की खराबी हो, उसे दूर करने के लिए इस बथुआ से
सस्ता और अच्छा ऑप्शन मैंने अभी तक के नहीं देखा है। हर प्रकार के पेट संबंधी रोग को दूर करने के लिए, डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए और उसे स्वस्थ सुदृढ़ बनाने के लिए, जिसे कहा जाए पत्थर हजम हो जाए, इस तरह से ताकतवर पाचन शक्ति पाने के लिए आप बथुआ के रस को प्रतिदिन सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी के साथ 50 ग्राम की मात्रा में इसका रस निकाल लें और उस रस को खाली पेट सुबह शाम पीते रहें। इस तरह से सेवन करने पर सिर्फ आपका पाचन शक्ति ही मजबूत नहीं होगा, इससे आपकी रक्त की शुद्धि होगी, रक्त भी साफ हो जाएगा, आपकी चेहरे से दाग धब्बे, झुर्रियाँ, मुहासे, पिंपल सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह से पीने पर आपका खून एकदम से साफ हो जाता है। और इसके इतने ही फायदे नहीं हैं, ऐसा अगर लगातार आप पीते हो 50 ग्राम इसका बथुआ का रस निकाल के, तो आपका जो चर्बी होता है, एक्स्ट्रा फैट होता है, जिन व्यक्तियों को मोटापा का शिकार होना पड़ता है, वह भी आपको कभी आपके शरीर में देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई मोटा व्यक्ति हो चुका है तो वह आज से इस बथुआ में हल्का सा दालचीनी पाउडर मिला के प्रतिदिन अगर हल्का गर्म गुनगुने पानी के साथ लेता है सुबह शाम बथुआ के सिर्फ रस को, तो निश्चित रूप से उसका 15 दिनों में 5 से 10 किलो तक वजन घट जाएगा। यह आजमाया हुआ है और यह जादू की तरह काम करता है, आप उपयोग करके देख लीजिए, यकीन खुद ब खुद हो जाएगा। इसके रस को इस तरह से पीते रहने पर आपको अच्छे से पसीना आएगा, अच्छे से मलमूत्र की आग होगी आपके शरीर से, और पूरे शरीर को, मतलब ये पूरी तरह से साफ कर देता है, चाहे शरीर के अंदर कुछ भी खराबी हो। और अगर आपके शरीर में किडनी स्टोन जमा हुआ है, गुर्दे में पथरी लग चुकी है, तो उसके लिए भी लोग बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करते हैं, इधर उधर डॉक्टरों के चक्कर में जाते हैं, और हर्बल दवाओं को कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि ये फ्री में सस्ता कहीं भी मिल जाता है। लेकिन जो गरीब हैं उनको अगर ये जानकारी प्राप्त हो जाए, तो वे लोग बड़े बड़े जो अस्पताल जाने की बारे में सोच रहे हैं वे भूल जाएंगे, और इन औषधियों को प्रयोग करके अमीर लोगों से बहुत जल्द आसानी से ठीक हो जाएंगे। तो जिनको किडनी स्टोन, पेशाब रुक रुक करके आने की समस्या हो, या फिर गुर्दे की कोई भी खराबी हो, पेशाब का पीलापन आना, या फिर धातु प्रमेह, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, ये सभी समस्या दूर करना अगर चाहते हो आप, तो जिस तरह से मैं बताया बथुआ के जो रस होता है 25 से 50 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है, उसमें आपको एक चम्मच शुद्ध देसी मिश्री मिलाना है, धागे वाली मिश्री, पंसारी के यहाँ खरीदोगे धागे वाली मिश्री बोल करके तो वहाँ से मिल जाएगा आपको, छोटा छोटा जो दाने वाला होता है मिश्री उसको नहीं खरीदना है, जिसमें धागे लगा हो मिश्री उसी मिश्री को खरीदना है, और एक चम्मच मिश्री का पाउडर मिला के इस बथुआ के रस में घोल देना है, और इसको आप ठंडे पानी के साथ लीजिए सुबह शाम, तो निश्चित रूप से एक सप्ताह में आपका 10-12 mm का किडनी स्टोन भी झड़ जाता है, गल करके नष्ट हो जाता है। यह बथुआ हालांकि गर्म प्रकृति का है, इसकी प्रकृति जो है थोड़ी गर्म है, ज़्यादा मात्रा में सेवन करने पर आपको दस्त लग सकता है, लेकिन जो एक सामान्य डोज है 25 से 50 ग्राम की मात्रा, उतना लेने पर किसी को कोई नुकसान नहीं होता। अब चलिए बात कर लेते हैं स्त्रियों की समस्या के बारे में, जिनको कमर दर्द होता है, महिलाओं को पेड़ों में दर्द होता है, सर भारी भारी लगता है, मासिक धर्म के दौरान पीड़ा होती है, बहुत कष्टयुक्त होता है मासिक धर्म का पीड़ा, जिन महिलाओं को होता होगा वही लोग शायद इसे जान सकते हैं, और जिन्हें ओवर ब्लीडिंग की समस्या होती है, मतलब मासिक धर्म तो होगा लेकिन बहुत अधिक मात्रा में रक्त स्त्राव होगा, तो इस तरह की समस्या को भी सिर्फ 25-50 ग्राम बथुए के रस से ही ख़त्म कर सकते हो। उसी तरह से आपको इसमें भी 1-2 चम्मच मिश्री का पाउडर मिलाना है और महिलाओं को लेते रहना है, सुबह शाम पीते रहना है। इस तरह से पीने पर उनका मासिक धर्म जो कष्टपूर्ण होता है वह नहीं होगा, कमर का दर्द खत्म हो जाएगा, सर का भारीपन खत्म हो जाएगा, ओवर ब्लीडिंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और जिन माता बहनों को डिलीवरी के बाद, जस्ट डिलीवरी होने के बाद भी बहुत दिनों तक कष्ट रहता है, या फिर कुछ अशुद्धियाँ उनकी गर्भाशय में छूट जाती हैं जिन्हें पूरी तरह से साफ करना होता है, तो उसके लिए भी आप इस बथुआ के रस में 5-10 ग्राम सौंठ मिला करके, सौंठ का पाउडर मिला करके, या फिर बथुए के जो पूरा पंचांग पौधा होता है उस 1-2 पौधे को, और उसमें 5-10 ग्राम सौंठ मिला करके काढ़ा बना करके पिलाने से उनका शरीर की डिलीवरी के बाद जो भी शरीर के अंदर अशुद्धियाँ बची होती है उन्हें यह साफ कर देता है 2-3 खुराक, मतलब एक दिन में, तो यह डिलीवरी के बाद महिलाओं को कमज़ोर नहीं पड़ने देता और सारी खराबियों को दूर कर देता है। जिनको मधुमेह की समस्या है उनके लिए यह बथुआ का साग सब्जी बहुत ही फायदेमंद होता है। मधुमेह हमेशा
कंट्रोल में रहता है, शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ता है न घटता है, सामान्य रहता है बथुए का साग सब्जी खाने से। दिल को भी मजबूती मिलती है और रक्त संचार बहुत अच्छी रहती है। यह पेट के कृमि को भी नष्ट करता है। बथुआ का साग सब्जी खाने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं, या फिर जिनको ज़्यादा राउंड वार्म है, यानी राउंड वार्म कहने का मतलब जो गोल गोल पेट में कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं, जिनकी वजह से शरीर कमज़ोर होता रहता है, खाया पिया नहीं लग पाता है, तो उसके लिए आप सुबह गुड़ की छोटी डली खा लें खाली पेट, और 15-20 मिनट के बाद इस बथुए के 50 ग्राम रस में एक चम्मच अजवाइन का पाउडर मिला करके उसे खाली पेट ले लें गुड़ खाने के बाद। तो इस तरह से आपका पेट का कैसा भी कृमि रोग हो 2 दिन में नष्ट हो जाता है। यह बथुआ मर्दों के लिए शुक्राणुवर्धक भी है, वीर्यवर्धक भी है और टाइमिंग को बढ़ाने वाला भी है। अगर आप किसी भी प्रकार के जो गुप्त रोग है उनसे यदि परेशान हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है यह बथुआ का साग सब्जी खाना और बथुए के रस का प्रयोग करना। जो लोग रोज़ाना बथुए का रस प्रयोग नहीं कर सकते, वे लोग बथुए को पौधे को तोड़ करके उखाड़ करके सुखा कर उसका पाउडर करके भी यूज़ कर सकते हैं। जिन मर्दों को स्पर्म काउंट बढ़ाना है, वीर्य में शुक्राणु की संख्या बढ़ाना है, बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम बनना है, वे लोग इस बथुआ के जो बीज होता है जिसे मंजरी कह सकते हो आप, इकट्ठा करके सुखा करके पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद आप उसमें चाहे तो अश्वगंधा का पाउडर और शतावरी का पाउडर और कौच बीज का पाउडर समान मात्रा में मिला करके नियमित रूप से दूध के साथ 1 माह तक सेवन करें। शुक्राणुओं की संख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, 1 महीने में पूरे जिंदगी भर के लिए शुक्राणु की कमी नहीं होगी, इतना तेज गति से बढ़ता है बथुए का बीज के साथ कौच बीज, अश्वगंधा और शतावरी का पाउडर मिला करके लेने से। सबको बराबर मात्रा में मिलाना है और 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ खाना है, और ऐसा करने से आपका जो रतिक्रिया का टाइम होता है वह भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिससे हर पुरुष और औरत को चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, यह बथुआ का साग सब्जी खाना हर इंसान के लिए अमृत खाने के समान है, क्योंकि यह एनीमिया के रोग को भी आसानी से दूर करता है, खून बहुत तेजी से बढ़ाता है और शारीरिक मानसिक कमजोरी को जड़ से नष्ट कर देता है। यह बथुआ बुद्धिवर्धक भी होता है, दीपन पाचक और कृमिनाशक भी होता है, इसलिए जिन्हें लीवर की समस्या हो या फिर लीवर के अंदर छोटे बड़े जो इन्फेक्शन होते हैं, गांठ पड़ जाते हैं या फिर लीवर में कैंसर होने का खतरा रहता है, तो ऐसे समस्या में भी आप इसके रस को सुबह शाम 25-50 ग्राम की मात्रा में सेवन कर सकते हो। लीवर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए तो आप बथुए का सेवन हमेशा करते रहिए, जब तक बथुआ का साग सब्जी मिलता है तब तक। यह बिल्कुल निरापद और हानि रहित औषधि है, इससे कोई कभी आपको नुकसान नहीं होगा। अगर कोई इसका नुकसान झेल सकता है तो मैं आप लोगों को जाते जाते एक और अच्छी बात बता देता हूँ, ताकि आप इसके जो नुकसान है उसको भी जान सकें और जान लें कि यह किस टाइम और कैसे नुकसान करता है। तो यह बथुआ गर्भवती महिला को कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में। अगर गर्भवती महिला गलती से इसको ले लेती है तो निश्चित रूप से उसका गर्भपात हो जाएगा। तो यह गर्भपात करने का एक औषधि भी है, और जिनको जानकारी नहीं रहेगा वह अपना बच्चा भी खो सकता है। तो गर्भवती स्त्री से बिल्कुल भी गर्भावस्था के दौरान ना ले, बल्कि डिलीवरी के बाद ले सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से यह बथुआ का जो जानकारी बताया बहुत सटीक और आजमाई हुई जानकारी है। आप इस जानकारी को अमल करें और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें जानकारी को, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।